हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एएसपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ आरती बंसल और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 19 जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इट्स इंटीग्रेशन। तो बेटा, हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं? हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, और कल मैंने आप लोगों को अग्नाशय ग्रंथि भी बताई थी। तो आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अग्नाशय जो ग्रंथि है वो कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है और वो हार्मोन का कार्य क्या है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर दीजिए कि जो एड्रिनल ग्लैंड है, आप लोगों को पता है कि एड्रिनल जो ग्रंथि है वो किडनी के ऊपर पाई जाती है और वो उसके दो भाग होते हैं, कोर्टेक्स और मेड्यूला। तो एड्रिनल कोर्टेक्स द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के नाम बताएं और एड्रिनल मेड्यूला द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है? तो देखो, हम शुरू करते हैं, एक बार रिवाइज करवाऊंगी, फिर उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। देखो, थाइमस ग्रंथि हम पढ़ चुके हैं, थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन है बेटा, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये बी सेल्स और टी सेल्स के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टी सेल्स और बी सेल्स जो है हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, मैच्योर करते हैं और ये इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और उम्र के साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि थाइमस ग्रंथि का साइज जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। पीनियल ग्रंथि के बारे में पढ़ा था कि ये मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। ये थाइमस ग्रंथि को हम देख चुके थे और ये है हमारी पीनियल ग्रंथि जो कि बायोलॉजिकल क्लॉक, हमारी क्या है, जैविक घड़ी है। अग्नाशय के बारे में हम कल देख रहे थे कि देखो, अग्नाशय में जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो कौन कौन से हैं, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। हालांकि मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है पर फिर भी मैंने ही आंसर कर दिया, इंसुलिन और ग्लूकेगोन। आज थोड़ा सा इंसुलिन और ग्लूकेगोन को एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये कार्य करते हैं। देखो, इसकी कौन सी कोशिकाएं अग्नाशय की, कौन सी कोशिकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यानी अल्फा और बीटा कोशिकाएं क्या करती हैं, ग्लूकेगोन और इंसुलिन का स्रावण करती है। होता क्या है कि जो इंसुलिन है वो क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज जो हमारे शरीर में जब हम भोजन करते हैं तो ग्लूकोज बनता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन। जबकि ग्लूकेगोन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को किस में परिवर्तित करेगा, ग्लूकोज में। अब मान लो आप लोगों ने फास्ट कर रखा है, आप व्रत कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं, मम्मी फास्टिंग करती है ना घर में, तो हमने अगर फास्ट कर रखा है तो उस समय शरीर को भोजन मिल नहीं रहा और कोशिकाओं का भोजन क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो उस समय ग्लूकेगोन हार्मोन एक्टिव हो जाता है और वो क्या करता है, हमारे जो शरीर की मांसपेशियां हैं यहाँ पे, जहाँ पे वसा डिपॉजिट है यानी लिपिड जहाँ पे है, उसको वो किस में परिवर्तित कर देगा, ग्लूकोज में। तो शरीर का प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, उन वो सब चीज़ें किस में परिवर्तित होने लगेंगी, ग्लूकोज में, और उसी से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। समझ में? अब इंसुलिन क्या करता है, अगर तुमने खाना खा रखा है और खाना खाने के बाद में शरीर में ग्लूकोज बन गया, उस ग्लूकोज को क्या करता है, कोशिकाओं को प्रेरित करता है कि आप इस ग्लूकोज को लो और काम में लेके जो रक्त है उसमें ग्लूकोज के लेवल को क्या करो, कम करो। अब आप लोग पूछेंगे कि मैडम इंसुलिन किस प्रकार से कार्य करता है, तो देखो इंसुलिन जो है बेटा, इंसुलिन, इसके कुछ कारक होते हैं जैसे ग्लूट 1, 2, 3 और 4। ये क्या है, फैक्टर होते हैं, कुछ कारक होते हैं जो कि शरीर के अंदर घूमते रहते हैं और ये कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं कि भाई ग्लूकोज अंदर लो, ठीक है? तो इंसुलिन की उपस्थिति में ही ग्लूकोज कोशिका इस्तेमाल कर सकती है, ग्लूकोज का इस्तेमाल कोशिका अपने आप नहीं कर सकती, इंसुलिन होगा तभी वो ग्लूकोज को क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। अगर मान लो किसी के शरीर में इंसुलिन का नंबर जो है वो कम हो जाए तो कोशिकाएँ ग्लूकोज को ले नहीं पाएंगी, इस कारण जो रक्त है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और हमें क्या हो जाएगी, डायबिटीज। इसी कारण डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसको बार बार भूख लगती है, क्योंकि शरीर के अंदर ग्लूकोज होते हुए भी कोशिकाएं उसको क्या नहीं कर सकती, इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो कोशिकाओं से जो दिमाग है, ब्रेन को मैसेज आता है कि हमें भूख लग रही है, तो वो बार बार खाना खाता है, बार बार पानी पीता है, लेकिन वो जो पानी और जो खाना है वो शरीर में घूमता रहता है, ग्लूकोज की मात्रा तो क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, लेकिन कोशिकाएँ उसका क्या नहीं कर पाती, इस्तेमाल नहीं कर पाती। इस कारण जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा जो यूरिन है, मूत्र है, उसके साथ में शरीर जो है वो ग्लूकोज को बाहर निकालने लगता है और इस कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया।
ग्लाइकोसूरिया का मतलब है कि जो ग्लूकोज है उसे मूत्र के साथ में क्या निकाल दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए। तो एक डायबिटीज जो पेशेंट होता है उसे ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन होती है। पॉलीडिस्टोफिया होता है, पॉलीडिस्टोफिया का मतलब है कि बार बार भूख और क्या लगती है, प्यास लगती है, ठीक है। तो पॉलीडिस्टोफिया हो गया और ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन कब देखने मिलती है, डायबिटीज के पेशेंट के अंदर। तो ये हमने देख लिया था। आगे देखो, इसकी कोशिकाएं हार्मोन स्त्रावित करती हैं, ये भी देख लिया था। फिर देखो हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन के कम स्त्राव से रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसे हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई। इंसुलिन हार्मोन के अधिक स्त्राव से रक्त का ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है जिससे रक्त में ग्लूकोज की क्या हो जाएगी, कमी। तो यानी अगर ग्लूकोज की कमी हो जाए तो उसे हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया, यानी रक्त में ग्लूकोज क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब देखो आज हम पढ़ेंगे, और उस तुम्हें यह भी पता होना चाहिए, मान लो अगर तुम डॉक्टर के पास गए हो और तुम्हारा शुगर का टेस्ट हुआ है, लोग डायबिटीज का टेस्ट करवाते हैं ना, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कितनी जो डायबिटीज शुगर का लेवल जो है वो हमारे शरीर में नॉर्मल है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर तुम्हारा लेवल 70 से लेकर 99 के बीच में आ रहा है ग्लूकोज का तो तुम्हें डायबिटीज नहीं है, लेकिन अगर 99 से लेके 99 से लेके कितना आ रहा है, 120, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हें क्या है, डायबिटीज। तुम डायबिटीज के पेशेंट तो नहीं हो लेकिन तुम्हें डायबिटीज होने के चांसेस हैं। और अगर 120 से लेके 200 के आसपास अगर आ रहा है तो इसका मतलब उस पर्सन को क्या हो चुकी है, डायबिटीज, यानी शुगर हो चुकी है। तो तुम्हें तीनों लेवल जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि अगर 70 से अगर 99 के बीच में हमारा लेवल आ रहा है ग्लूकोज का, जब हम ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं तो ग्लूकोज का टेस्ट करता है ना डॉक्टर, तो उसमें अगर ये डेटा लिखा हुआ है तो मतलब तुम्हें डायबिटीज नहीं है। अब देखो बेटा, हमने ऊपर से लेके नीचे तक सारी ग्रंथियों को कवर कर लिया, हाइपोथैलेमस, एड्रिनल, थाइमस, थायराइड, पीनी, पीयूष ग्रंथि, और इसके अलावा हमने देख ली है ये एड्रिनल ग्रंथि, और अग्नाशय को भी हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे जो गोनाड्स होते हैं, नर में क्या पाया जाता है, वृषण, और मादा में क्या पाया जाता है, अंडाशय। अंडाशय और वृषण अंड कोशिका और शुक्राणु का निर्माण तो करते ही हैं, साथ साथ में वो क्या करते हैं, हार्मोन भी स्त्रावित करते हैं। और नर हार्मोन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, जबकि मादा हार्मोन कौन से होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। वृषण का कार्य क्या है, वृषण की शुक्रजनन नलिकाओं के बीच में संयोजी ऊतकों में स्थित अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन का स्त्रावण होता है। पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए वृषण होता क्या है। देखो जो वृषण है नर के अंदर किस में पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, हिंदी इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेस्टिस। होता क्या है, मान लो ये एक वृषण है, इसके बाहर एक कवर पाया जाता है बेटा, इसको बोलते हैं स्कोटम। नर के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बन सकते, जैसे हमारे शरीर का नॉर्मल तापमान कितना होता है, 37 डिग्री होता है, उस टेम्परेचर पे शुक्राणु यानी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इस कारण बॉडी में एक पाउच पाया जाता है, उस पाउच के अंदर वृषण पाए जाते हैं ताकि वो 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर क्या प्रोवाइड कर सके, कम। और जब 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम प्रोवाइड होगा तभी शुक्राणु का निर्माण होगा। तो इसके बाहर स्कोटम पाए जाते हैं, यहाँ पे पाई जाती हैं शुक्रजनन नलिकाएं, ठीक है, और इनके बीच में देखो ये जो अवकाश है यहां पाई जाती है लीडिंग कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल बोलते हैं इनको। तुम जब 12th में हो जाओगे तो तुम्हारे तीसरा पाठ भी है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मानव में जनन, उसमें हम इसकी संरचना को डिटेल में समझेंगे, लेकिन 11th में भी ये जो है एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में दे रखा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को इसको थोड़ा एक्सप्लोर करके बताऊं। तो समझने की कोशिश करो कि ये जो अंतस्थिशियल कोशिकाएं हैं या फिर लीडिंग सेल्स हैं, ये एक प्रकार का हार्मोन बनाती हैं, उस हार्मोन को बोलते हैं हम एंड्रोजन, एंड्रोजन। ये जो हार्मोन है बेटा ये कैसी प्रकृति का होता है, अग्रेसिव,
ये थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का होता है, थोड़ा सा गुस्सेल टाइप का हार्मोन होता है। इसी कारण तुमने देखा होगा लड़के जो है 15 से 20 साल की उम्र के जो लड़के होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, किसी कोई छोटी सी बात पे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी को भी। तो वो जो उम्र है उस समय ये एंड्रोजन जो है वो बहुत मात्रा में स्रावित होता है और ये एक अग्रेसिव नेचर का हार्मोन है, ठीक है। तो अपनी जो ऊर्जा है उसको तुम किसी को मारने में तोड़ने में लगाने की बजाय अगर सही कार्य में लगाओ तो तुम अपनी ज़िंदगी में तरक्की भी कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये देखो एंड्रोजन जो हार्मोन है नर हार्मोन, इसके अलावा एक और हार्मोन भी स्रावित होता है, कौन सा नाम है उसका, टेस्टोस्टेरोन, जो कि तुम बचपन से पढ़ते भी आए हो। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि नर में नर लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, कि भाई 15 से 16 की जो उम्र होती है उस उम्र में लड़कों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, दाढ़ी मूछ आना शुरू हो जाता है, एकदम से उनकी हाइट बढ़ जाती है। तो ये सब जो लक्षण है ये इसी हार्मोन के कारण देखने मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही अंदर कौन बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, वो शुक्राणु आगे रेटे टेस्टिस में, एपिडिडाइमिस में, सेमनिकल वेसाइकल प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए बाहर निकलते हैं। तो ये जो पाथ है कि नर का शुक्राणु कहाँ बनता है और कहाँ से होता हुआ बाहर आता है वो हमारे लेवल पे नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि वृषण में बनते हैं शुक्राणु। वृषण के बाहर एक कवर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्कोटम, जो कि इसको 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम प्रोवाइड करके रखता है। और शुक्राणु जब बनता है वृषण से तो निकलता हुआ यूरिथ्रा के थ्रू क्या आता है, बाहर मूत्र मार्ग से क्या आता है, बाहर आता है, ठीक है। और ये जो दो प्रकार के हार्मोन है एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, बेटा एंड्रोजन जो है इसमें कई वैरायटी के हार्मोन होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन भी उसी का ही एक भाग मान लो तुम। एंड्रोजन हार्मोन लड़कों में स्रावित करे जाते हैं, समझ में आई। अब देखो पढ़ के इसको, नर हार्मोन एंड्रोजन का स्रावण करती हैं कौन सी कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं। नर हार्मोन में प्रमुख टेस्टोस्टेरोन तथा एंडोस्टेरोन होते हैं, ये एंडोस्टेरोन हार्मोन है। ये नर में द्वीप लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण आप लोगों को अच्छे से पता है, आवाज भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, शरीर पे बालों का ग्रो हो जाना, ये सारे जो लक्षण हैं वो द्वितीयक लैंगिक के अंदर आएंगे। अब देखो अंडाशय, जैसे नर में वृषण पाए जाते हैं ठीक वैसे ही स्त्रियों में क्या पाया जाता है, अंडाशय। एक कितने होते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं, दो होते हैं। हर महीने एक अंडाशय से एक अंड कोशिका निकलती है और दूसरे महीने दूसरे से, तो ये जो है अल्टरनेशन फॉर्म में निकलती है हर महीने। और लड़कियों में भी जो है अंडाशय के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को कोर्टेक्स बोलते हैं, आंतरिक भाग को मेड्यूला बोलते हैं, और इसमें फोलिकल बन रहे होते हैं। देखो जब मैंने तुम्हें हाइपोथैलेमस पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि GnRH हार्मोन स्रावित किया जाता है हाइपोथैलेमस से, और फिर वो हार्मोन अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि तक जाता है। अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि उसके निर्देशन में क्या स्रावित करती है, FSH और LH। LH जो है वो लड़कों में स्रावित होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो जो हार्मोन था वो किसी लिए था, लड़कियों में अंडाशय जो है उसमें फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पाया जाता है। जो फोलिकल होते हैं वो बड़े होते हैं और लास्ट में उनसे क्या निकलती है, अंड कोशिका। तो एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाशय की प्रोलिफियन पुटिकाएं, जो मैं फोलिकल बोल रही हूँ उसको हिंदी में बोलते हैं पुटिकाएं, कि थीका इंटरना से स्रावित होता है। यह हार्मोन मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी। एस्ट्रोजन के अतिरिक्त दो हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से भी स्रावित होते हैं, जो कि प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन। देखो समझो इस चीज को, होता क्या है, देखो नर मादा का मैं तुम्हें चित्र बना के दिखाती हूँ कैसे होते हैं। ये दो अंड कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इनसे कौन निकली होती है, फेलोपियन ट्यूब। ये आप लोगों के 10th में भी था, रफली बना रही हूँ। यहां से कौन निकला होता है, गर्भाशय, ठीक है, फिर सर्विक्स और वेजाइना, योनि यानी जिसको बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, इस अंडाशय के अंदर दो भाग होते हैं, अंदर वाले भाग को हम बोलेंगे मेड्यूला, क्या बोलोगे बेटा, मेड्यूला, और बाहर वाले भाग को हम बोलेंगे कोर्टेक्स, जैसे हमने एड्रिनल ग्रंथि में देखा था। इस भाग में क्या होता है, पुटक ग्रो कर रहे होते हैं, जो हार्मोन है FSH उसकी उपस्थिति में पुटक जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो शुरू के अंदर लड़कियों में जब लड़कियों का जन्म होता है उसी समय इन पुटकों की संख्या जो है वो निश्चित हो जाती है। मान लो 80,000 पुटक एक लड़की में बन रहे हैं और वो 45 साल की हो रही है, हर महीने एक पुटक फटता है, यानी एक फोलिकल फटता है और उससे अंड कोशिका बाहर आती है, ऐसा हर महीने होता है,
जब से 13 से 14 की साल में उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने शुरू होते हैं, तब से लेके जब तक वो 45, 50, 60 की होती है तब तक ये चलता है। तो उसका जो संख्या है कि कितने फोलिकल बनेंगे, उसकी संख्या जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। अब जैसे जैसे हर महीने ये खत्म होते जाते हैं, तो हो सकता है किसी लेडी में 35 की उम्र में खत्म हो गए हों, किसी में 40, किसी में 60। तो इसे कोई बीमारी की बात नहीं है, इसकी जो संख्या है वो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। तो ये फोलिकल जो है, इमैच्योर फोलिकल, ये ग्रो करते हैं। जैसे देखो यहाँ दिखा रही हूँ, ये ग्रो करेंगे, साइज बढ़ाएंगे, फिर ये प्राथमिक फोलिकल बनाएंगे, फिर द्वितीयक, तृतीयक, और तृतीयक फोलिकल से कौन बाहर निकलेगा? अंड कोशिका। तृतीयक फोलिकल को ग्राफियन फोलिकल भी बोलते हैं, और ग्राफियन फोलिकल जब रप्चर करता है, यानी जब फटता है ग्राफियन फोलिकल, तो यह किसमें परिवर्तित हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम में। और कार्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्त्रावित करता है। तो आप लोगों को ये चीज याद हुई। देखो बचपन में तो हम सिर्फ यही पढ़ते आए हैं कि लड़कियों में दो ही हार्मोन स्त्रावित होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है वो फोलिकल से स्त्रावित होते हैं, जबकि प्रोजेस्टेरोन जो है वो कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेन से स्त्रावित होता है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। कार्पस ल्यूटियम से भी क्या होते हैं? हार्मोन स्त्रावित होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन। रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है बेटा, जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो उसका योनि वाला हिस्सा है उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है उस समय। ठीक है, तो बाकी तुम्हें दो ही हार्मोन याद रखने हैं। अब देखो प्रोजेस्टेरोन के बारे में बता रखा है, गर्भधारण में गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन है, अतः इसे गर्भावस्था हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन की कमी से क्या हो जाता है? गर्भपात। कितनी ऐसी लेडी हैं, तुमने सुना होगा कि जो बच्चा है वो कंसीव तो हो गया, सातवें या आठवें महीने में क्या हो गया? गर्भपात हो गया, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो बना रहना चाहिए था, उसका लेवल क्या हो गया? कम। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा, कोई आपके घर में प्रेग्नेंट है, आसपास भी देखा होगा कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो हर महीने उसका अल्ट्रासाउंड होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ये चेक करता है कि हार्मोन का लेवल क्या चल रहा है, हर महीने चेकअप करता है ताकि हार्मोन जो है वो बैलेंस रहे। रिलैक्सिन ये प्रसव के समय श्रोणि मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस को शिथिल करता है, इससे जन्म नाल क्या होती है, वेजाइना और योनि को जोड़ ले साथ में, तो क्या बोलते हैं हम उसको? जन्म नाल। इसके परिणाम स्वरूप शिशु का जन्म जो है वो आसानी से हो जाता है। एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक, ANF कारक क्या होते हैं बेटा? देखो हार्मोन तो हमने कंप्लीट कर लिए ऊपर से, और सारे A to Z हमने वृषण के हार्मोन और अंडाशय के हार्मोन भी देख लिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। लेकिन कुछ और भी ऐसे पदार्थ हैं जो कि किसी नलिका से बहते नहीं है, और कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हार्मोन की तरह ही बिहेव करते हैं, हालांकि हार्मोन नहीं होते। हृदय कोई अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लेकिन फिर भी हृदय जो है वो कुछ ऐसे कारक को स्रावित करता है जो कि शरीर में अचानक से परिवर्तन ला सकते हैं। तो देखो ANF कारक जो है वो हृदय के आलिंद भित्ति द्वारा पेप्टाइड हार्मोन का स्त्राव किया जाता है, इसे एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक कहते हैं। यह रक्त दाब को क्या करता है? कम। ब्लड प्रेशर को कम करने का कार्य कौन करता है? ANF। ठीक है, अब देखो ये मैंने यहाँ पे तुम्हें वृषण और अंडाशय दिखा रखा है। ये है वृषण, दो होते हैं, इनके ऊपर ये जो दिख रहा है ये है स्कोटम, ये है अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब दिख रही है, वेजाइना दिख रहा है, और सर्विक्स। इन दोनों को आपस में क्या बोलते हैं? जन्म नाल। ठीक है, आगे देखो गैस्ट्रो आंत पथ चार प्रमुख पेप्टाइड हार्मोन। ये जो हमारी आंत वाला हिस्सा है ये भी कुछ हार्मोन को स्रावित करता है, तो कई बार पेपर में एग्जामिनर पूछ लेता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। देखो पहला है गैस्ट्रिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन का नाम तुमने सुना होगा, स्त्राव को उत्तेजित करता है ये। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो कि क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, तो पेप्सिन एंजाइम तुमने 10th में भी पढ़ा है। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो पेप्सिनोजन के स्त्राव को बढ़ाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को उत्तेजित करता है। सिक्रेटिन कार्य करता है एक्सोक्राइन अग्नाशय और पानी और बाइकार्बोनेट आयनों के स्त्राव को उत्तेजित करता है। सिक्रेटिन एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में बाइकार्बोनेट्स को मेंटेन करता है, जैसे HCO3। कोलसिस्टोकाइनिन क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्त्राव को उत्तेजित करता है, CCK बोलते हैं इसको। हमारा जो अग्नाशय है तुम्हें पता है, एक तो वो पित्त रस को स्त्रावित करता है,
अग्नाशय, उसके अलावा जो है जो एंजाइम होते हैं अग्नाशय रस जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा वो दो हार्मोन इंसुलिन ग्लूकेगॉन स्रावित करता है। तो वहाँ से जो अग्नाशय रस निकलता है उसको नियंत्रित करने के लिए कोलसिस्टोकाइनिन स्रावित किया जाता है, CCK, ठीक है, पित्त रस को नियंत्रित करता है। गैस्ट्रिन निरोधात्मक पेप्टाइड GIP, याद रखना, गैस्ट्रिन इनहिबिटर पेप्टाइड गैस्ट्रिन स्त्राव को स्थिर गतिशीलता प्रदान करते हैं। तो ये लोग, ये कुछ पॉइंट है जो आप लोग लिख लेना। हार्मोन क्रिया का तंत्र, इस क्रिया का जो तंत्र है बेटा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इसको हम कल देखेंगे कि एक हार्मोन जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। आज हमने सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां कंप्लीट कर ली हैं, अब कल जो है हम क्या देखेंगे, हार्मोन कार्य किस प्रकार से करता है, क्योंकि हार्मोन दो तरीके के होते हैं, प्रोटीनस हार्मोन भी होते हैं और स्टीरॉयड हार्मोन भी होते हैं। तुमने देखा होगा ना कई लोग स्टीरॉयड के इंजेक्शन भी लेते हैं, तो वो एक हार्मोन का इंजेक्शन ही ले रहे हैं एक तरीके से, तो उनको हम कल देखेंगे, और इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, तो हम कल इसको कवर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।